मातन क्रमांक 3 के क्रीड़ा विभाग में चोरों ने चोरी करने का किया प्रयास। चौकीदार की सजगता से मौके पर अपना बैग छोड़कर भागे चोर। बुधवार की रात सिविल लाइन थाने के सामने मातन क्रमांक 3 के क्रीड़ा विभाग में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। जैसे ही चोर ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी वहां पर सो रहे चौकीदार जाग गए, जिसकी आहट सुनकर चोर भागने लगे, जिसके बाद चौकीदार ने उन्हें दौड़ा लिया तो वे अपना बैग छोड़कर भाग गए। चौकीदार की सजगता से चोर अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। जो बैग चोर छोड़कर भाग गए हैं, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस समेत कुछ कागज भी हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इसमें कुछ अन्यत्र सामग्री है सर, चोरी की चोरी की है कि चोर का है? चोर का है। तो चोर कहाँ घुसा था? क्रीड़ा कक्ष में। कौन से स्कूल में? मार्टन नंबर 3 में। ताला तोड़ दिया और कुंडा चटका दिया बस। कल रात को यहाँ 3 बजे के आसपास ना, रामपाल, ये रामपाल चौकीदार हैं, यहाँ ये ड्यूटी कर रहे थे, तो इनको आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला सा दिखा, तो ये आए तो देखा इनने दरवाज़ा खुला है, घबराए, जोर से चिल्लाए। जब ये जोर से चिल्लाए तो वो आदमी बाहर निकला और कुछ सामान लेके, एक हाथ कुछ हाथ में लेके भागा, लेकिन चूंकि ताला बंद था तो वो सामान पीछे फेंक दिया और कूद के भाग गया। फिर तो वो सामान जब इकट्ठा किया तो देखा इनने, सोचा कि यहीं का होगा। जब आज सुबह इनको क्रीड़ा प्रभारी को बुलाए और हमको भी इनने फ़ोन किया सुबह से, रामपाल चौकीदार ने, जब हम आए तो देखा कि तब तक ये सामग्री ये लोग देख चुके थे कि इनके यहाँ का कुछ नहीं जा पाया है। कोशिश तो किया था, जा नहीं पाया, बल्कि जो थैला फेंक के गया, झोला एक, उसमें बहुत सारे कागज़ मिले, वो उसमें किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई यादव का ड्राइविंग लाइसेंस है, और भी सारे कागज हैं, HP की एक शर्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों के मोनो वाली एक तो शर्ट है, वो भी मिली है। तो वो 100 नंबर वालों को फ़ोन किया था तो वो आए थे, वो उनको ले गए और FIR हम लोगों ने करा दिया है। तो ये साकर उन्होंने ताला वाला तोड़ा है, और ये दूसरा वाला ताला चूँकि अंदर ये पत्थर का वो है, तो अंदर से सिटकिनी ना होने के कारण धक्का दो तो ऐसा खुल जाता है। अच्छा।